फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करा था एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। और अब इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि हमें एक राइट ट्रायंगल दी गई है और उसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि उसका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें जो है हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है, तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल हो गई। तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस जो है ये 13 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है, ठीक है। अब द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि मान लो बेस को हम एक्स मान लें, ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर बेस से कम है। तो बेस अगर एक्स हमने लेट करा तो एल्टीट्यूड जो होगा इसका जो परपेंडिकुलर जो होगा ये हो जाएगा एक्स माइनस 7, ठीक है। तो इसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल कर देते हैं ऐसे हम, राइट ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है, इसको हमने एक्स लेट कर लिया। देन इसका जो एल्टीट्यूड होगा, देन द एल्टीट्यूड बी ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये आ गया कंडीशन। तो अब हम इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो हाइपोटेन्यूस हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर हमारा आया है एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है, यहाँ हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है यहाँ उससे हम इसको खोल लेंगे उससे। तो इसको करते हैं हम, तो देन 13 जा ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, तो 169 इज इक्वल टू यहाँ हम a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो ये हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7 × 14x प्लस बी स्क्वायर जो है हमारा 7 है, तो 7 × 7 = 49। और ये प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं। 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, जुड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 2x² माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब 169 को इधर लेके आएंगे हम, तो ये 169 का ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169,
इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। अच्छा अब इसको और फर्दर करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x। अब 169 में से 49 जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 169 में से 49 गए, तो ये हमारा हो जाएगा 9 में से 9 गए 0, 6 में से और गया 2, 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 120 इजिकल टू 0, ठीक है। अच्छा अब अगर इसको थोड़ा सा और अगर फर्दर सॉल्व करें तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस का 7x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 60 इजिकल टू 0। अब ये 2 इधर जाएगा तो ये 0.2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0, तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू, और उसके थ्रू जो है हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स जैसे कि मैंने बताया ही था आपको कि हमेशा दो रूट्स आते हैं, तो इसके हम रूट्स निकालेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे इसमें और तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम करते हैं, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो ये मिडल टर्म होती है हमारे पास, इसके हम फैक्टर बनाते हैं, और इसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि जो दो फैक्टर होते हैं उनको दोनों का टोटल जो है वो 7 आए, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करें तो उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 60 × 1 इजिकल टू 60, यानी कि वो 60 आए। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से बनेंगे वो बना के देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा x², तो 12 × 5 = 16, और 12 में से 5 जाएंगे तो वो 7 आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास दो फैक्टर इसके बन जाएंगे, एक तो माइनस का 12x हो जाएगा हमारा, और एक प्लस का 5x हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस 12 में से प्लस 5 गए तो ये हो जाएगा माइनस 7, तो ये माइनस 7 हमारा आ ही रहा है, ठीक है। और 12 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी कि 60, तो ये 60 आ ही रहा है। तो ये हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे 7x के, तो ये 7x के फैक्टर हमने बना लिए, और ये माइनस 60 ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा अब हम ये दो टर्म्स, ये दो एक साथ लेंगे और ये दो एक साथ लेके इसमें से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं एक्स कॉमन लिया इसमें से, तो यहाँ हमारा आया एक्स, यहाँ हमारा माइनस 12 हो गया, यहाँ प्लस प्लस 5 ले लेंगे हम कॉमन, तो एक्स माइनस 12 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 12 सेम है, तो ये एक्स माइनस 12 एक साथ हो जाएंगे, और एक्स प्लस 5 ऐसे हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यानी कि एक्स माइनस 12 इजिकल टू 0, और सेकंड केस हमारा बनेगा एक्स प्लस 5 इजिकल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें एक्स की हम निकालेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो एक्स इजिकल टू 12 इधर जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और एक्स इजिकल टू ये 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, एक तो एक्स की वैल्यू आई 12 और एक आई एक्स की वैल्यू माइनस 5। अब क्योंकि एक्स हमने माना हुआ है बेस, ठीक है ना, तो ये बेस की हमारी वैल्यू आई, तो बेस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जो एक्स माइनस 5 है ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बेस कभी भी जो है माइनस में नहीं आ सकता। तो जो प्लस में वैल्यू है ये 12, इसको हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे हैंस, बोला है ना कि फाइंड द अदर टू साइड्स, एक साइड तो हमें 13 पता ही है और ये दो साइड हमें निकालनी है, तो दो साइड में क्या हो गया, ये बेस जो है हमारा, हैंस द बेस इज, यानी कि बेस कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, बेस इज 12 सेंटीमीटर, एंड इसका जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा हमारा, एंड द एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड हमने माना था एक्स माइनस 7, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, और इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो एक हमारा साइड आ गई 12 सेंटीमीटर और सेकंड साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको सॉल्व करके बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको करके बताया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई आपको कहीं डिफ़िकल्टी महसूस होती हो, या कहीं कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया हो, या उसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मुझे, तो मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, लाइक करिए और अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो क्या है कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आप मेरी वीडियोस को फिर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको वो करिए। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका एक्सरसाइज 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।